वही बात करते हैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये आया था हमारे पिछले साल लास्ट ईयर के पेपर में, दिसंबर वाले पेपर में। 38 क्वेश्चन था ये, 10 मार्क का। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली आइडिया ये है कि हम ना किसी तरीके से संभव इन दोनों को सेम डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाए तो मेरे को पता है कि जो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, आई कैन ऑल्सो से लाइक कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस सी, राइट। a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सी के बराबर हो जाएगा। बस इसी आइडिया को आपने यूज करना है। और यहाँ पर जो माइनस सी लिखना है, ये वाला जो माइनस सी है, अगर आप यहाँ पर माइनस सी लिखने की जगह ए प्लस बी लिख देंगे तो क्या होगा, ये एक अपने आप में काम है। तो आइए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। तो देखिए मैंने इसे चेंज कर दिया है, मैंने एक्स की पावर माइनस सी की जगह एक्स की पावर ए प्लस बी लिख। अब कुछ नहीं करना आपको, देखिए अगर आप यहाँ पर कॉमन लेते, अगर आप यहाँ पर कॉमन लेते हैं एक्स की पावर बी तो क्या होगा, यहाँ वन बच जाएगा। अगली वाली टर्म में एक ए है और एक बी, क्योंकि देखिए जो एक्स की पावर ए प्लस बी है इसका सीधा सीधा मतलब ये भी समझ सकते हैं अपने मन में कि एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी। तो अगर एक्स की पावर बी बाहर ले लो तो एक्स की पावर ए अंदर बच जाएगा और वन बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वहां पर कुछ है नहीं तो वन के डिवाइड में चला जाएगा एक्स की पावर बी। तो ये क्या बच जाएगा, ऊपर ले जाकर के एक्स की पावर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ तो आपको समझ में आएगा कि बस ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है एग्जैक्टली सिमिलर है। तो आप यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को और एलसीएम ले सकते हैं। देखिए मैं इसको मेंशन कर देता हूँ वापस, ये क्या है आपका एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर माइनस बी और प्लस वन। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसका ले लें एलसीएम। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बस एलसीएम जो आप लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए जो आप इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स की पावर बी का फैक्टर आ जाएगा और बाकी दूसरा वाला फैक्टर भी आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर माइनस बी। अब जब आप देखेंगे कि इसकी टेबल में ये तो आता है, ये बच जाएगा एक्स की पावर बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x की वैल्यू x की पावर। और अब जब यहां पर करेंगे तो पूरा कट जाएगा, वन बचेगा। ठीक है, यहां तक हो गया आपका जॉब। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है इसको सेम बनाने की कोशिश करना। तो आगे देखते हैं कि इस वाले आइडिया में हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते। तो आगे इसकी बात करते हैं फटाफट से। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर तो एक्स की पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं इस बारे में थोड़ा सा सोचता हूँ। और आप ये भी देखें कि आप जो है कॉमन क्या लेंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं एक्स की पावर सी एक्स की पावर सी रहने दूं और इसको पॉजिटिव बना, ये कुछ इस तरह से नजर आए। अब आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं नीचे। तो बेसिकली जब आप एलसीएम लेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, वन प्लस ये हो जाएगा नीचे एक्स की पावर ए, वन के टेबल में एक्स की पावर ए पे आता होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर सी प्लस, ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा एक्स की पावर ए। और जैसे कि आपको बताया कि जो भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है जब वो ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है। अगर मैं बात करूं इस वाले फ्रैक्शन की जो वन के नीचे ही डिनोमिनेटर में है, जब आपका ऊपर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली एक्स की पावर ए ऊपर आ जाएगा और ये वाला ऐसा नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ फटाफट से कि किस तरह से ये नजर आएगा। ओके अच्छा, तो अब अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार एक्स का पावर ए भी मौजूद है, वन भी मौजूद है, ये और ये कैसे बराबर। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ से c प्लस ए का वैल्यू निकालोगे a और c तो b उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बोले तो इसका मतलब ये है कि x की पावर माइनस b बोलो
या एक्सप्लोर सी प्लस है, बोलो बात तो एक ही है क्या, नहीं क्योंकि वो सी प्लस ए की जगह माइनस भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना, तो मैं इस वाले हिस्से की जगह क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा एक्स के बाद माइनस, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते एक बार ही। आप एकदम क्वेश्चन जो है परफेक्ट हो गया, आपको फिर से नीचे एलसीएम ले सकते हैं आप, तो जब आप नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर बी, ठीक है, और बाकी तो सब एकदम एग्जैक्ट सिमिलर लग रहा है, ठीक है ना, बाकी एकदम एग्जैक्ट सिमिलर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर माइनस बी प्लस, ठीक है, आप देखिए ये पूरा पूरा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर तो सेम कहानी बचेगी ना, ऊपर न्यूमरेटर यहाँ पर तो एग्जैक्टली सिमिलर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर है ना, एक्स की पावर एक्स पावर बी सब कुछ कट जाएगा, पर यहाँ पर जो है एक्स की पावर बी एक्स्ट्रा है, ठीक है, इस केस तो ये तो कट जाएगा, एक्स की पावर बी मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस। तो अब आप देखो यार, आपको काटना है तो आप काटोगे कैसे, आपको ये सोचना है, देखिए आप सिंपल है काटेंगे कैसे इस बारे में आप सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगा, देखिए कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप इसको अंदर इंट्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स की पावर बी और एक्स की पावर है जब मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम पावर ऐड, तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट, जब एक्स की पावर बी एक्स की पावर नेगेटिव बी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखो ये मौजूद, और जब एक्स की पावर बी को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का बी आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जाके सेम आ जाएगा, आपका जो ऊपर न्यूमरेटर है और जब नीचे डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे, तो कट के आपका आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो काफी क्रिएटिव क्वेश्चन है, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर अगर आप मेरे स्टूडेंट है करेंटली पढ़ रहे हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।